करणी माता चांद परिवार से आते थे और वो माँ दुर्गा के अवतार थे। तो आज अपने साथ सत्या सागर जी हैं, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन कहाँ मिलना हुआ है माता के दरबार में। दिल से दुआ मांगी इसने, माता ने मिला है। यहाँ से हम भाग भी नहीं सकते कहीं नहीं भाग। तो अब जा रहे हैं करणी माता देशनोक। जूनागढ़ आपने देख ही लिया कितना प्यारा किला था और क्या क्या खासियत थी किले की, आपको मैंने बताई। उसमें यहाँ से बीकानेर से देशनोक है कुछ 32 किलोमीटर, जो चूहों वाला मंदिर है जहाँ पे पूरे मंदिर में चूहे ही चूहे हैं। उनका भी जो है इतिहास है, हिस्ट्री है, क्यों है चूहे, वो आपको मंदिर में जाके बताएंगे। तो वहाँ पे क्यों है चूहे, इतने सारे चूहे, और क्यों उन चूहों की इतनी देख रेख की जाती है, वो सब आपको मंदिर में जाके बताएंगे। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, संडे रह गया इसलिए संडे को कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। कहीं भी हो संडे को तो भीड़ होती है ही, इसलिए भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। ये जितने भी आप देख रहे हैं घर दुकान, देखिए पुराने टाइप के हैं, उनका पता चल जाता है एकदम किलो की तरह बने हुए हैं। देखिए राजस्थान की पहचान ये है, जो भी घर पुराने बने हुए हैं ये नॉर्मल घर ही थे, वो भी एकदम किले की तरह। इनकी बनावट जो है ना एकदम महलों की तरह बनावट होती थी। तो राजस्थान में जैसे आते हैं वो पहचान दूर से आता है कि हाँ राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं। माँ करणी का दरबार पहुँच गए हैं। देशनोक प्रसाद लिया है माता रानी का। भीड़ तो बहुत है मंदिर के बाहर, देख रहे हैं काफी भीड़ है, लोग बहुत आए हुए हैं। आज संडे है तो संडे के दिन भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाहर तक लाइन लगी हुई है पूरा। ये अंदर का मंदिर है, ये पूरा जाल जो लगाया हुआ है ये इसलिए लगाया है, जो चूहे हैं इनको जो बाहर के पंछी हैं जैसे चील बाज वगैरह वो कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए लगाए हुए हैं। देखिए चूहे,
देखिए हर तरफ चूहे चूहे हैं। जहाँ भी देखोगे चूहे, यहाँ पब्लिक से ज़्यादा चूहे हैं। पूरे अंदर चूहे चूहे। माता का इतिहास जो बताते हैं इस मंदिर की, चूहों का क्या इतिहास है, क्यों है। बाकी आपको मंदिर दिखाया, चूहे दिखाए अंदर, मतलब चूहे इतने ज़्यादा हैं कि पैरों में आते रहते हैं। चूहा किसी के पैर के नीचे आके मरता नहीं है। अगर मर जाए तो चांदी का चढ़ाना पड़ता है। हाँ, मर जाए तो फिर वो चांदी का चढ़ाना पड़ता है, बाकी मरता नहीं है। हमारे पैरों में भी आते हैं पर वो आके निकल रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती चूहों को। और यहाँ पे पब्लिक से ज़्यादा चूहे मिलते हैं अंदर। और प्रसाद भी जो होता है वो चूहों का जूठा ही प्रसाद खाते हैं सब, यहाँ पे वही प्रसाद दिया जाता है। बाकी आपको जैसा भी ये दिखाया अंदर, काफ़ी संख्या में चूहे भी थे अंदर। तो आज अपने साथ सत्या सागर जी हैं, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आज पहले वाले वीडियो में मैंने जिक्र भी किया है, बाइक चला रहा था तब, लेकिन कहाँ मिलना हुआ है माता के दरबार में। दिल से दुआ मांगी इसने, मतलब जिस तरीके से बताया ना, क्या बोला, उत्तराखंड खरीदा, उत्तराखंड भी गया था मैं पीछे, लेंस डाउन उधर गया था, आप देहरादून भी गया था, मैंने कहा आप देहरादून शायद आएंगे उस तरफ, उधर भी आप नहीं आए, फिर आप वहाँ से निकल लिए थे वापसी। तो मैं आपका बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि कब मिलूँ। सही जगह पर मिले, माता ने मिला, यहाँ से हम भाग भी नहीं सकते, कहीं नहीं भाग सकते। सही है, अच्छा लगा मिलकर, थैंक यू सर। तो ठीक है, अभी सत्या भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई यूट्यूबर है बहुत बड़े, एकदम नॉर्मल हमारे तरह जैसे मैं हूँ वैसे हैं, बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए, तभी लोगों का प्यार मिलता है, इसीलिए तुम खड़े हो। और बाकी इसको भी प्यार दो, ये मेहनत कर रहा है लड़का, सब्सक्राइब करके जाओगे तो बहुत ही अच्छा है, राजस्थान घुमाएगा और क्या ही चाहिए, इसीलिए वो ऐसे सब्सक्राइब का बटन होगा लाल सा, दबा दो उसको, दबा दो, बहुत अच्छा लगेगा, उसका कलर चेंज कर दो, लाल है, वाह ये नया था, कर दो उसका कलर चेंज, कलर चेंज कर दो, चलो बाय बाय, ठीक है। तो गाइस, करनी माता का मंदिर देखा हमने, उसके बाद में वहाँ से हम आ गए घर, और वहाँ सत्या सागर जी हमें मिले, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम हो गया था और बाद में लेट हो रहे थे घर आने के लिए, रात हो जाती तो रास्ते में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि बाइक इतनी बढ़िया हमारे पास थी नहीं, जिससे रिलैक्स से गए थे। तो मैं आपको करनी माता मंदिर के बारे में बताता हूँ। करनी माता जो थे वो चारण परिवार से थे, और वो माँ दुर्गा के अवतार थे। तो उनका जो बहन का लड़का था वो एक्सपायर हो गया था, पानी में डूबने की वजह से उनका देहांत हो गया था। उसको मांगने के लिए करनी माता यमराज जी के पास गए, उनसे विनती करी कि मुझे मेरा बेटा वापसी चाहिए। तो यमराज जी जो है उनका बेटा जो दिया था वो चूहे के रूप में उन्हें वापसी दिया था। उसके बाद से जो भी उस गाँव के देशनोक गाँव के चारण जो हैं, जो भी एक्सपायर होता है वो चूहे के रूप में करनी माता के मंदिर में आता है। करनी माता का मंदिर बहुत विख्यात है पूरे भारतवर्ष में, और उनके यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो सब पूरी होती है। और कहा जाता है कि अगर व्हाइट चूहा अगर वहाँ पे दिख जाए फिर तो कहने क्या बात, सारे जो भी मनोकामना है वो पूरी होनी होनी होती है। जितनी वहाँ पे पब्लिक थी उससे कई गुना ज़्यादा चूहे थे, पूरे पैरों में आ रहे थे, पर किसी के भी पैर के नीचे नहीं थी, पैर के ऊपर से कूद के चले जाते हैं, और नहा रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, पर किसी के पैर के नीचे नहीं आते। और अगर बाई चांस आ भी जाते हैं, चूहों को वहाँ पे बोला जाता है काबा बोला जाता है उन चूहों को, अगर किसी के पैर के नीचे आ जाए और किसी कोई भी चूहा अगर बाई चांस मर जाता है तो वहाँ पे चूहा चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। बाकी रेयर चांस है कि किसी के पैर के नीचे आते हैं, किसी के पैर के नीचे नहीं आते। पहले जो प्रसाद जो होता है वो पहले माता रानी को से पहले चूहों को चढ़ाया जाता है, पहले प्रसाद चूहे खाते हैं, उसके बाद ही माता रानी को चढ़ाया जाता है, और वही प्रसाद सब भक्तजन खाते हैं। उस प्रसाद से, चूहे के खाए हुए प्रसाद से किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, कभी कोई बीमार नहीं हुआ,
लोग कहते हैं कि चूहे के जूठे खाने से बीमारी हो जाती है, वो कुछ नहीं होता। आज तक हमने सुना नहीं, हम इतने नज़दीक से हैं माता रानी का, हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है। हम साल में एक दो बार चक्कर लगता है माता रानी का, और हर बार वहाँ का प्रसाद खाते हैं, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। और जितने भी वहाँ चूहे हैं, वो चूहे सारे मंदिर के अंदर हैं, मंदिर से बाहर एक भी मैंने चूहा देखा नहीं। बाहर कबूतर और काफ़ी हैं, और उन चूहों की सेफ्टी के लिए ऊपर जाल भी लगा रखा है, जिससे कि मतलब कोई पक्षी उन चूहों को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो आपका जब भी बीकानेर राजस्थान में जब भी आप आएँ, तो इस मंदिर में ज़रूर जाएँ, मनोकामना आपकी ज़रूर पूरी होगी, माता रानी के दर्शन ज़रूर करें। देखो माता रानी के मेरे ऊपर इतनी महिमा रही, मैं जो रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि माता रानी आपके दर्शन करने आ रहा हूँ मैं, और मेरे को सत्य सागर और जिनसे मिलना था, माता रानी ने वहाँ पे मेरे को सत्य सागर जी से मिलवा दिया। तो मेरी एक छोटी सी मनोकामना तो माता रानी ने वहीं पे पूरी कर दी। तो ये मैं माता रानी ने ही किया है, मेरे बस की नहीं थी कि मैं सत्य सागर से ऐसे कहीं घूमते हुए मिल जाऊँ। देखो ये माता रानी ने मेरे को मिलवा दिया, मेरे भरोसे तो वो कल बीकानेर से निकल चुके थे, पर उनसे मैं मिल लिया, काफ़ी सारी बातचीत करी, लेट हो गए इसलिए अभी ये वीडियो आके मैं घर पे शूट कर रहा हूँ। तो गाइस अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और बेल आइकन दबा लेना, नेक्स्ट वीडियो आपको अपडेट मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो मेरे गांव के ऊपर आने वाले हैं, यहाँ पे माता रानी का मंदिर है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो ओके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तेरा पहुंच गया परेशान तो परेशान थे हिसाब।